नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। श्रीलंका को मटिया मेट करने वाले चीन के चमचे नेता भाग चुके हैं। जनता की क्रांति के बाद अब अंतरिम सरकार बनने जा रही है। पड़ोसी श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए भारत ने करीब $4 अरब की बड़ी मदद दी है, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। श्रीलंका के पोर्ट पर गैस से लोड एक जहाज पहुंचा है, जबकि दूसरा 15 जुलाई तक पहुंचने वाला है। यानी गैस के लिए मचे हाहाकार के अब शांत होने के पूरे आसार हैं। इसी के साथ मोदी सरकार अब एक और बड़ा प्लान बना रही है, ताकि श्रीलंका को महासंकट से निकाला जा सके। इसके तहत ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार के क्षेत्र में भारत श्रीलंका को भरपूर मदद देने जा रहा है। भारत द्वारा आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की मदद के पीछे चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है और इस द्वीपीय देश से उसका बिस्तर भी बंधवाना है। दरअसल मोदी सरकार को बहुत पहले ही आभास हो चुका था कि श्रीलंका की राजपक्षे सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है और देर सवेर उसे गद्दी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। सरकार तभी से उसे संकट से उबारने के लिए योजना बना रही थी। इसे प्लान बी का नाम दिया गया था। इसके अंतर्गत श्रीलंका के आधारभूत ढांचे को मजबूती देना है, ताकि श्रीलंका के विकास के साथ देश के लोगों को भी रोजगार मिल सके। इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने के साथ श्रीलंका के लोगों में भारत के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। 1 जुलाई को भारत के डिप्यूटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री की अध्यक्षता में श्रीलंका को लेकर बड़ी बैठक हुई थी। तब इस योजना पर सहमति बनी थी कि भारत के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को पूरा करना, व्यापार और संपर्क को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय रुपए को श्रीलंका में ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करने पर भी विचार हुआ था। यानी भारत प्लान बी के तहत श्रीलंका को चीन के चंगुल में जाने से बचाने का खाका बहुत पहले खींच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके में स्थित त्रिंकोमाली बंदरगाह का विकास, बिजली परियोजनाएं, भारत और श्रीलंका के बीच विमानों की उड़ान बढ़ाना, फेरी सर्विस को बहाल करना भी प्लान बी में शामिल है। श्रीलंका आज जिस तरह भीषण संकट से जूझ रहा है और अपना विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर चुका है, उसके चलते वहां कई चुनौतियां पैदा हो गई है। वह तेल, गैस और अन्य जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा है। इसकी पूरे देश में जबरदस्त कमी है। लोगों के भड़कने का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जा रहा है। भारत ने पहले ही श्रीलंका को $3 अरब का लोन दिया है। इसके अलावा दवाएं, खाद्यान्न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई की है। श्रीलंका में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत इस मदद को और आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। साथ ही भारत श्रीलंका की राजनीति पर भी बारीकी से नजर रख रहा है। अब भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि पीछे के दरवाजे से चीन श्रीलंका पर शासन करे। मोदी सरकार ने कोलंबो को ऐसे समय में मदद का हाथ बटाया है, जब चीन का द्वीपीय देश में काफी प्रभाव बढ़ गया है। चीन श्रीलंका को लोन देने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। चीन ने श्रीलंका के आधारभूत ढांचे में जमकर पैसा लगाया है। इसमें रणनीतिक रूप से अहम हम्बनटोटा बंदरगाह भी शामिल है। यही नहीं, श्रीलंका ने चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अपने आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोन लिया है। ऐसे में अब भारत के पास श्रीलंका में अपनी स्थिति मजबूत करने का अच्छा मौका है। जनता भी इस बर्बादी का जिम्मेवार भ्रष्ट नेता और चीन को ही समझ रही है। अगर संभव हो तो इस आक्रोश को चीन के खिलाफ डाइवर्ट करने की जरूरत है, ताकि खुद जनता ही चीनियों को मारकर अपने देश से भगा दे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।